नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल धरुद्रा एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च के महीने में आने वाले सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में, जैसे कि गृह प्रवेश, गृह आरंभ, करणवेद, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, सगाई, सीमंत संस्कार इत्यादि विषयों के मुहूर्त हमें मार्च के महीने में कब कब प्राप्त हो रहे हैं उस विषय की डिटेल में चर्चा करेंगे, और साथ में इन मुहूर्तों का उपयोग आपको कब करना चाहिए, कैसी अवस्था में इन मुहूर्तों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उस विषय की भी डिटेल में जानकारियां अंत में प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपको लगता है कि यह वीडियो आपको जिनके लिए आवश्यक हो उन तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाएं, शेयर करें, और आपके कोई भी प्रतिभाव है वह नीचे कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके प्रतिभाव से हमें अगले वीडियो के सजेशंस प्राप्त होते हैं और कुछ नई त्रुटियां इत्यादि है उसका ज्ञान होता है। और आप अगर हमारे वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता रहता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मार्च 2024 के आने वाले सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में। मार्च 2024 के मुहूर्तों की बात करें तो सबसे पहले विवाह मुहूर्त की चर्चा करते हैं। 2 मार्च 2024 शनिवार, फाल्गुन कृष्ण षष्ठी तिथि विशाखा नक्षत्र। 3 मार्च 2024 रविवार, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तिथि अनुराधा नक्षत्र। 4 मार्च 2024 सोमवार, फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र। 6 मार्च 2024 बुधवार, फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। 11 मार्च 2024 सोमवार, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा तिथि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। और 13 मार्च 2024 बुधवार, फाल्गुन शुक्ल तृतीया तिथि अश्विनी नक्षत्र। अब सगाई संस्कार के मुहूर्तों की बात करें तो जैसे विवाह संस्कार के दिन है उसी प्रकार सगाई संस्कार के दिन है। सगाई, जिसे कन्यावरण या फिर वरवरण कहा जाता है, 2 मार्च 2024 शनिवार, फाल्गुन कृष्ण षष्ठी तिथि विशाखा नक्षत्र। 3 मार्च 2024 रविवार, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तिथि अनुराधा नक्षत्र। 4 मार्च 2024 सोमवार, फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र। 6 मार्च 2024 बुधवार, फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। 11 मार्च 2024 सोमवार, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा तिथि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। और 13 मार्च 2024 बुधवार, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि अश्विनी नक्षत्र। अब सीमंत संस्कार के मुहूर्तों की बात करें तो 12 मार्च 2024 मंगलवार, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि रेवती नक्षत्र। 14 मार्च 2024 गुरुवार, फाल्गुन शुक्ल पंचमी तिथि भरणी नक्षत्र। 17 मार्च 2024 रविवार, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि मृगशीर्ष नक्षत्र। 19 मार्च 2024 मंगलवार, फाल्गुन शुक्ल दशमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र। 21 मार्च 2024 गुरुवार, फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तिथि आश्लेषा नक्षत्र। और 24 मार्च 2024 रविवार, फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। सीमंत संस्कार के विषय में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से आपको डिटेल में जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। द्विरागमन या फिर गौना जिसे कहा जाता है उसके मुहूर्तों की बात करें तो 1 मार्च 2024 शुक्रवार, फाल्गुन कृष्ण षष्ठी तिथि स्वाति नक्षत्र। 6 मार्च 2024 बुधवार, फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। 7 मार्च 2024 गुरुवार, फाल्गुन कृष्ण द्वादशी तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। और 13 मार्च 2024 बुधवार, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि अश्विनी नक्षत्र। यज्ञोपवीत संस्कार जिसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है उसके मुहूर्तों की बात करें तो 19 मार्च 2024 मंगलवार, फाल्गुन शुक्ल दशमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र। 20 मार्च 2024 बुधवार, फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि पुष्य नक्षत्र। 21 मार्च 2024 गुरुवार, फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तिथि आश्लेषा नक्षत्र। और 27 मार्च 2024 बुधवार, चैत्र कृष्ण द्वितीया तिथि चित्रा नक्षत्र। अब नींव लगाने के मुहूर्तों की बात करें जिसे गृहारंभ संस्कार भी कहा जाता है तो नींव के मुहूर्त 7 मार्च 2024 गुरुवार, फाल्गुन कृष्ण द्वादशी तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। 8 मार्च 2024 शुक्रवार, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि श्रवण नक्षत्र। और 11 मार्च 2024 सोमवार, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा तिथि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। यह 3 मुहूर्त है। गृह प्रवेश के मुहूर्तों की बात करें तो कुल 2 मुहूर्त इस महीने में देखने मिलते हैं। 6 मार्च 2024 बुधवार, फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। और 7 मार्च 2024 गुरुवार, फाल्गुन कृष्ण द्वादशी तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र।
मुंडन संस्कार की बात करें तो मुंडन संस्कार के दो मुहूर्त देखने मिल रहे हैं। 8 मार्च 2024 शुक्रवार फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि श्रवण नक्षत्र और 13 मार्च 2024 बुधवार फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि अश्विनी नक्षत्र कर्णवेद, जिसे कान छिदवाना या फिर कर्णवेद संस्कार की बात करें तो 13 मार्च 2024 बुधवार फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि अश्विनी नक्षत्र, यह एक दिन कर्णवेद संस्कार का प्राप्त हो रहा है। विवाह वाहन संस्कार के मुहूर्तों की बात करें, वाहन खरीदने के मुहूर्तों की, तो 1 मार्च 2024 शुक्रवार फाल्गुन कृष्ण षष्ठी तिथि स्वाति नक्षत्र, 3 मार्च 2024 रविवार फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तिथि अनुराधा नक्षत्र, 8 मार्च 2024 शुक्रवार फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि श्रवण नक्षत्र, 15 मार्च 2024 शुक्रवार फाल्गुन शुक्ल षष्ठी तिथि कृतिका नक्षत्र, उसके बाद 27 मार्च 2024 बुधवार चैत्र कृष्ण द्वितीया तिथि चित्रा नक्षत्र, 28 मार्च 2024 गुरुवार चैत्र कृष्ण तृतीया तिथि स्वाति नक्षत्र और 29 मार्च 2024 शुक्रवार चैत्र कृष्ण चतुर्थी तिथि विशाखा नक्षत्र। व्यापार शुरू करने के मुहूर्तों की बात करें तो 2 मार्च 2024 शनिवार फाल्गुन कृष्ण षष्ठी तिथि विशाखा नक्षत्र, 3 मार्च 2024 रविवार फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तिथि अनुराधा नक्षत्र, 13 मार्च 2024 बुधवार फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि अश्विनी नक्षत्र, 16 मार्च 2024 शनिवार फाल्गुन शुक्ल सप्तमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और 17 मार्च 2024 रविवार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि मृगशीर्ष नक्षत्र। तो यह थे मार्च 2024 के सभी शुभ मुहूर्त। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह में वीडियो में जो भी मुहूर्त बताए गए हैं वह पूर्णिमांत अमावस्यांत दोनों प्रकार से संकलित किए गए हैं। भारत के गणमान्य पंचांगों से मुहूर्तों का संकलन किया गया है। तो अगर आप आपके प्रदेश के हिसाब से, आपकी राशि कुंडली के हिसाब से आपके लिए कौन सा सर्वोत्तम मुहूर्त होता है उस विषय की जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे संस्थान का संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको विशेषतः पर्सनलाइज मुहूर्त है वह प्रोवाइड कराया जाएगा। कुंडली विश्लेषण, कुंडली मार्गदर्शन, वास्तु मार्गदर्शन, किसी भी प्रकार की समस्या हो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ही दो ज्ञान भरी वीडियो देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम।